देर मैंने बाद आपसे मुलाकात है, उसके लिए धन्यवाद। और रात चाहे जितनी काली हो, सवेरा उतना मजेदार होता है। और इस बार मैं 2000 का नोट बंद हो गया। अब ये तो मोदी जी बोलेंगे, उस पर हम क्या बोलेंगे। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को बुधवार सुबह महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में कानपुर ACMF की कोर्ट लाया गया। कोर्ट के बाहर इरफान पुलिस की गाड़ी से हंसते हुए नजर आए। वहां मौजूद समर्थकों को देखकर विक्की बच खाया और कहा, जीत हमारी होगी। इरफान भाई, इरफान भाई, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, हमारी होगी। सुनवाई पूरी होने के बाद महाराजगंज जेल रवाना होने से पहले विधायक ने मीडिया के सामने कहा कि रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही मजेदार होता है। देर मैंने बाद आपसे मुलाकात है, उसके लिए धन्यवाद। और रात चाहे जितनी काली हो, सवेरा उतना मजेदार होता है। 2000 रुपए के नोट बंद किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर तो मोदी जी ही बोलेंगे। और 2000 के नोट बंद हो गए, उस पर कुछ बोलेंगे? अब ये तो मोदी जी बोलेंगे, उस पर हम क्या बोलेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 38 दिन बाद कानपुर कोर्ट लाया गया, जहां पर जाजमऊ में महिला का घर टूटने के मामले से 7 मुकदमों में सुनवाई हुई। पुलिस देर रात में ही विधायक को महाराजगंज जेल से कन्नौज जेल लेकर पहुंच गई। सुबह कन्नौज से कानपुर कोर्ट लाया गया, इससे पहले 17 अप्रैल को विधायक को कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं नगर निकाय चुनाव के चलते 17 अप्रैल के बाद से ऑनलाइन सुनवाई की जा रही है। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीब फातिमा ने 7 नवम्बर को विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई इरफान सोलंकी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। इसको लेकर MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी, सपा विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इसराइल मोहम्मद शरीफ पर आरोप तय किए थे। आरोप IPC 147, 436/149, 506/149, 427/149, 386/149, 504 और 120 बी धाराओं में तय किए गए थे, जिसकी सुनवाई कानपुर की MP MLA कोर्ट में चल रही है। देर मैंने बाद आपसे मुलाकात है, उसके लिए धन्यवाद। और रात चाहे जितनी काली हो, सवेरा उतना मजेदार होता है। और इस बार मैं 2000 का नोट बंद हो गया, उस पर कुछ बोलेंगे? अब ये तो मोदी जी बोलेंगे, उस पर हम क्या बोलेंगे।